गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ITC 03 का जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है और वो किनको भरना है, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 है। इन सारे डिस्कशन से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, GST प्लेटफॉर्म के द्वारा जो ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 5 जुलाई 2020 यानी कि संडे को, जिसके अंदर हम लोग फाइलिंग ऑफ GSTR 4 जो फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए गए हैं उसके अंदर जो टेबल्स दिए गए हैं, वो टेबल्स कौन से टेबल में कौन सा फिगर जाएगा, परचेज का डिटेल्स कैसे भरना है, RCM का डिटेल्स कैसे भरना है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ GSTR 4 क्या एनुअल रिटर्न है, इसके बाद हमें और कोई एनुअल रिटर्न भी भरनी है या नहीं, इन सारी चीजों पे भी डिस्कशन जो है वो होगी। साथ ही साथ जो GSTR 3 भी फाइलिंग होनी है जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 की, जो कि 1 जुलाई से इनिशिएट की गई है विदाउट लेट फीस, उसमें भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस किए जाएंगे इस वेबिनार में। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले। टाइमिंग रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक। अब देखिए, मैंने जो पोर्टल पे ओपन करा है, आपको लॉग इन कर लेना है अपना GST पोर्टल। अगर आपने 38 जून तक ऑप्शन सिलेक्ट किया था CMP 02 फाइल करके कि हमें फाइनेंशियल ईयर 2021 से कंपोजिशन टैक्स पेयर बनना है फ्रॉम रेगुलर टैक्स पेयर, तो इसके लिए आपको करना क्या है, लॉगिन करके सर्विसेज टैब में जाना है, रिटर्न्स टैब में जाना है और ITC के सेक्शन में जाना है, ITC फॉर्म्स के सेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने आएगा GST ITC 03 का फॉर्म, इसे आप ओपन कर लेंगे ऑनलाइन। इस फॉर्म में बेसिकली भरना क्या है आपको, इस फॉर्म में बेसिकली आपको भरना है जो आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है जिसके ऊपर आपने ITC क्लेम कर लिया है, उसको आप रिवर्स करेंगे। तो जिस अमाउंट पे आपने ITC क्लेम कर लिया है, क्योंकि अब आप उसे कंपोजिशन टैक्स पेयर में जा करके नॉर्मल टैक्स पे नहीं पे करके रिड्यूस डेट में पे करेंगे, इसीलिए जो ITC आपने लिया है वो आपको वापस करना होता है। डिक्लेरेशन फॉर इंटीमेशन ऑफ ITC रिवर्सल और पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, inputs contained in semi-finished and finished goods held in stock and capital goods under subsection 4 of section 18. यानी कि आपके पास inputs चाहे वो raw materials में हो, चाहे वो semi-finished goods हो, चाहे वो traded goods या finished goods के रूप में पड़े हो, आपको सारी declaration देनी है as on the date of closing. और capital goods से related कुछ ITC आपने अगर लिया है तो वो भी आपको reverse करना है। यहाँ पर input service का जो ITC है वो रिवर्स करने की बात नहीं होती है। ये चीजें लिखी गई है सेक्शन 18 सबसेक्शन 4। अब इसे भरना कैसे है, यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिखेंगे, सेक्शन 18.4A 18.4B। 4A जो हमारा है वो बात करता है रेगुलर से जो कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं उनके लिए, और 4B जो है वो बात करता है आपका कोई प्रोडक्ट जब आपने परचेज किया उस टाइम पे टैक्सेबल था जिसका आपने ITC ले लिया, अब कंसिक्वेंटली या सब्सिक्वेंटली वो एग्जेम्प्ट हो गया, तो वो जो ITC है वो तो आपको मिल गया बट टैक्स पेबल तो बनेगा नहीं, तो वैसे प्रोडक्ट को आप 18.4B में डिक्लेयर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे 18.4A जो कि बात करता है एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेयर्स हु ऑप्टिंग इन फॉर कंपोजिशन स्कीम कैन बी फाइल्ड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, और ये आपको भरना है 31 जुलाई 2020 से पहले अगर आपने कंपोजिशन के लिए सिलेक्ट किया है। अब इसे हम लोग करेंगे प्रोसीड। सिलेक्ट किया है मतलब अगर आप पहले से ही कॉम्पोजिशन में हैं तो आपको नहीं भरना है, आप 1920 में रेगुलर थे, 2021 में कॉम्पोजिशन के अंदर आए हैं तब आपको ये भरना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेबल्स जो हैं वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको डिटेल्स भरना है वो कुछ इस तरीके से भरना है। सबसे पहला है गुड्स डिटेल विथ इनवॉइसेस, यानी कि जो स्टॉक के जो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि वैसे स्टॉक जिसके लिए आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल हैं उसको आप इस वाले टेबल में भरेंगे। इस टेबल में किस तरीके से डेटा जाएगा, डिटेल्स ऑफ स्टॉक और इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड अंडर GST, रजिस्टर्ड अंडर GST या सेंट्रल एक्साइज और VAT, जो आपके पास स्टॉक पड़ा है वो GST का स्टॉक है या प्री GST स्टॉक है, वो आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे GST, तो आपको जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है
उस क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड जो इनवॉइसेस होगा उस इनवॉइसेस से रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी है तो आपको यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालना है जो उसके इनवॉइस पे अवेलेबल होगा। सप्लायर नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इनवॉइस का नंबर क्या है और इनवॉइस की डेट क्या है वो आपको फिगर्स यहाँ पर पुटअप करनी है। उसके बाद आपको आइटम डिटेल्स के अंदर वो इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक है, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक है या फिर कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक है, तीनों कैटेगरी में से अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वो क्या है, ट्रेडिंग गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, जो भी डिस्क्रिप्शन है आपके गुड्स का वो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुटअप करेंगे। उसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड सिलेक्ट करना है एज पर इनवॉइस, कितनी क्वांटिटी है वो, टैक्सेबल वैल्यू एज एडजस्टेड बाय डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जो स्टॉक है उसके अंदर जो डेबिट या क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट है वो करने के बाद यहाँ पर जो है आपको अमाउंट ऑफ आईटीसी जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है जो आपको रिवर्स करना है अकॉर्डिंगली सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम में फीडअप कर देना है। टैक्सेबल वैल्यू और सीजीएसटी एसजीएसटी ये एज पर इनवॉइस आपका होना चाहिए। आपको मल्टीपल इनवॉइसेस ऐड करने हैं, एक जीएसटी नंबर में एक से ज्यादा इनवॉइसेस हैं तो आप इस ऐड बटन को क्लिक करके डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं। इसके बाद इसे आप सेव कर लेंगे अकॉर्डिंगली। फिर दूसरा जो टेबल है वो है गुड्स डिटेल्स विदाउट इनवॉइसेस। अगर आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उसमें कुछ ऐसा आईटीसी है या फिर कुछ ऐसे स्टॉक है जिसका इनवॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन वो रजिस्टर्ड था जीएसटी में लेकिन इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, तो फिर से आपको डिटेल्स जो है वो अकॉर्डिंगली फिलअप करने हैं। यहाँ पर बस इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट का कॉलम जो है वो हट जाएगा। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है और जीएसटी नंबर डालने के बाद आपका गुड्स टाइप, डिस्क्रिप्शन, यूनिट क्वांटिटी कोड, क्वांटिटी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है और जो अमाउंट ऑफ आईटीसी, इंटीग्रेटेड टैक्स हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, सारी चीजें यहाँ पर क्लब कर दी जाएंगी और अकॉर्डिंगली डेटा आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पर आईजीएसटी इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई भी डेटा फीडअप नहीं किया है। आप जैसे ही यहाँ पर कोई जीएसटी नंबर डालेंगे अगर आपके सेम स्टेट का स्टॉक था तो ये ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप आराम से चीजें कर पाएंगे। अगला जो टेबल है वो है हमारे पास अमाउंट ऑफ आईटीसी पेएबल एंड पेड, यानी कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना पेएबल बनता है और कितना आपने पे किया है वो सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी। डिस्क्रिप्शन आपको बताया जाएगा कि कैश लेजर बैलेंस कितना है और क्रेडिट लेजर बैलेंस करंट महीने का कितना है, यानी कि जब आप रेगुलर में थे तो आपके पास क्रेडिट लेजर में क्या अमाउंट शो हो रहा था और कैश लेजर में क्या अमाउंट शो हो रहा था। लेट सपोज आपके पास 1 लाख का स्टॉक है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी सिर्फ 20,000 है और स्टॉक पे आईटीसी आपको रिवर्स करना है 30,000, तो 20,000 तो आप क्रेडिट लेजर से यूज कर सकते हैं और बाकी का 10,000 रुपए आपको कैश में जमा करना होगा। इसीलिए दोनों बैलेंस आपको यहाँ पर शो किए जाते हैं। अब पेमेंट ऑफ टैक्स किस तरीके से होगा, जो स्टॉक आपने डिक्लेयर किया उसके ऊपर टैक्स पेएबल कितना बना और उसमें से आईटीसी आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं वो बताना है और कैश के थ्रू कितना पेमेंट कर रहे हैं जो कि कैश लेजर बैलेंस में अवेलेबल है वो यहाँ पर आएगा और अकॉर्डिंगली फिर एडिशनल कैश कितना जमा करना है वो आपको पे करना है मेक पेमेंट करके और फिर आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये आईटीसी 03 आपको भरना मैंडेटरी है अगर आप रेगुलर से कॉम्पोजिशन में गए हैं। डेबिट एंट्रीज इन कैश एंड क्रेडिट लेजर फॉर टैक्स पे, अब ये क्या है ये आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैश लेजर और क्रेडिट लेजर जब आप ये फॉर्म भर दें तो आपने कितना कितना अमाउंट पर्टिकुलर लेजर से डेबिट करा है, उसकी डेबिट एंट्री नंबर और डेबिट एंट्री की डेट जो है वो दोनों रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी और आपका क्रेडिट लेजर से कितना अमाउंट डेबिट हुआ और कितना अमाउंट किस दिन डेबिट हुआ वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा और अमाउंट कितना आपने पे किया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो ये आईटीसी 03 का फॉर्म भरना बेहद जरूरी है, इस फॉर्म को मिस मत कीजिएगा अदरवाइज आगे चल के बड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जिन्होंने कॉम्पोजिशन ऑप्शन सिलेक्ट किया है उनको आईटीसी 03 कैसे भरना है और कब तक फाइल करना है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।